हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं तो अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे हम इस एलईडी लाइट को। तो यहाँ पे आप देखते हो, ये हेक्सिला के जो है एलईडी स्ट्रिप नहीं है, ये रोल है। जो रोल आता है ना एलईडी के, उसके ऊपर जो पाइप चढ़ा होता है, ये पाइप है। पूरा एलईडी का पाइप है ये। 16 मीटर का हमारा पाइप है ये। इसमें बॉक्स में सिर्फ 16 मीटर का हमारा पाइप है। इसे रन कराने के लिए हमें चाहिए अलग से कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देखते हो, VS 220 वोल्ट से करके RGB एलईडी स्ट्रिप है। 60 इसमें एलईडी है शायद मेरे ख्याल से। सो इतना मुझे इसका पता नहीं है। तो ये RGB यहाँ पे लिखा हुआ है। यह सारे इसका मतलब सारे कलर्स जो है रंग करा देगा सारे से। इसे रंग कराने के लिए हमें चाहिए कंट्रोलर। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका कंट्रोलर का नाम लिखा है यहाँ पे, SMD LED strip RGB लाइट स्पेशल पर्पज़। यहाँ पे ये हमारे कंट्रोलर है। ये 50 मीटर नीचे 100 मीटर लिखा है। ये 50 मीटर का जो है कंट्रोलर, ये हमारी लाइट जला सकता है। तो अभी ये 16 मीटर का हमारे पास बंडल है। हम चाहें तो और भी बड़ा जो है बंडल इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का जो है कॉस्ट मुझे क्या पड़ा है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। तो इस वीडियो को जो आप शुरू से लग रहे हैं इंतजार जरूर रखिए। मैं इसका लाइट का आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि ये लाइट कैसी है, कैसे वर्क करती है और कैसे इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलईडी स्ट्रिप को जो है अनबॉक्स करते हैं। सिंपल इसे खोल लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे एलईडी का रोल है, बंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलईडी स्ट्रिप है। उसके ऊपर जो पाइप डाल रखा है, ये एलईडी का पाइप है, RGB एलईडी स्ट्रिप का। तो यहाँ पे सिंपल हमारा 16 मीटर का जो रोल है। तो एलईडी स्ट्रिप में तो ये होता है कि पीछे से आप डबल साइड टेप उसे हटा के उसे चिपका सकते हो। इसमें जो आप अलग से डबल साइड टेप पहले लगा के फिर इसे चिपकाना पड़ेगा जहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंची है। हमारी जो लंबाई तो 16 मीटर है और जो चौड़ाई है इसकी 1 इंची है। 1 इंची का जो हमारा पाइप है। तो यहाँ पर आप देख लिए अपना एलईडी स्ट्रिप। और यहाँ पर हम देखते हैं ये अपना कनेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये रिमोट है, ये लोकल वाला रिमोट जो हर एलईडी स्ट्रिप में सब में आता है। और यहाँ पर हमारा है कंट्रोलर, जो हमारा मेन कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसको, ब्लैक कलर में हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इसको 8 साइड से जो है 220 वोल्ट एसी देनी है। ठीक है, और ये हमारा जो रिसीवर है जो कि रिमोट से हमारे रिसीव करेगा जो हम कलर चलाना चाहें। और यहाँ पे ये हमारा कनेक्टर है जो हमारा जो एलईडी स्ट्रिप है उसके साथ लगेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे पाइप में जो इसमें चार होल्स दे रखे होंगे। तो इसको जो हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। इसके अंदर 4 नेल्स दे रखी हैं ऐसी। तो इसको जो हमें इसके साथ कनेक्ट कर देना है, इस जो नील्स है ना उसको जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। जो चार हमारी ये वायर दे रही होंगी इसमें, तो उसके साथ जो है इंसर्ट कर देना है इसमें, वही जोड़ देना है। तो इंसर्ट करने से पहले ना आप क्या करो, जो ये चार दे रखे हैं ना, इनमें जो पिन की हेल्प से किसी की हेल्प से ना छोटे छोटे होल कर लो ताकि आसानी रहे। आप ऐसे ज़बरदस्ती करोगे तो तार थोड़ी सी छिल जाएगी और जो है हमारा कनेक्टर जो है फूक भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है हमारा कनेक्टर, और एलईडी भी ख़राब हो सकती है हमारी। अगर तार आपस में हो गई तो शॉर्ट भी हो सकता है, ये थोड़ा डेंजरस है। तो आप किसी बड़ी हेल्प से बोल लें। तो यहाँ पे करंट भी मार सकता है। तो इससे हम पहले आराम से जो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ट्राई करता हूँ जोड़ने की। तो यहाँ पे जुड़ा तो है शायद। तो फ्रेंड्स, ये जोड़ नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, पिन की हेल्प से जो है इसके अंदर का यही निकाल लिया, जो नेल्स है ना इसके अंदर की। तो इसमें 8 साइड तो जो नॉर्मल है और 8 साइड जो थोड़ी जो नेल्स जो है ना वो थोड़ी नुकीली है, पतली है। तो उस साइड से हमें जो इसमें घुसाना है पाइप के अंदर। तो यहाँ पे लगभग अभी भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से करना, तार नहीं छिलनी चाहिए जो हमारी मेन तार है। तो यहाँ पे हम इसे लगाने ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इसमें इसे इंसर्ट कर देते हैं, एकदम पिच कर देना है यहाँ पे लगा के। यही तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बेकार चीज़ लगी, जैसे हमने पिछली बार एलईडी स्ट्रिप की अनबॉक्सिंग करी थी, जो हमने अपनी गेमिंग लाइट बनाई थी, उसमें जो मार्किंग दे रखी थी ये इस साइड लगेगा। तो और उसमें आसानी भी थी लगाने में कि ये इस साइड से इस साइड लगेगा, तो मार्किंग दे रखी थी इन दोनों को आपस में इस साइड जोड़ना है। इसमें जो मार्किंग नहीं है कि हमें एलईडी स्ट्रिप या उल्टी जोड़नी है सीधी जोड़नी कैसे, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इससे शायद हमारी एलईडी ख़राब भी हो जाए। अगर उल्टी जुड़ती है तो मतलब हमारा ये कनेक्टर हमने सही नहीं लगाया, फिर हमें उसको सीधा जोड़ के देखना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ, उसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, मैं सबसे पहले इसमें वायर लगा देता हूँ। तो लकीली जो है हमारा ये कनेक्टर जो है सीधा लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कनेक्टर एकदम सीधा लगाया, कोई लाइट बंद हो गई भी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टर एकदम सीधा लगा हुआ, लाइट हमारी जल रही है। यहाँ पे हमारा रिमोट है, रिमोट के नीचे हमें ये प्लास्टिक का पीस दे रखा है, उसकी बैटरी जो है कनेक्ट हो गई, अब उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये जो रिमोट है ना, रिमोट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बैड है। हमारा कनेक्टर और ये एलईडी स्ट्रिप तो सही है, पर जो रिमोट की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बैड है। ये जो लोकल रिमोट्स आते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े ग्लिच मार जाते हैं बीच में। अब देखो जैसे ऑफ हो रहा है, पर ये ऑन वाला बटन काम नहीं कर रहा है इसमें, ये तो ऑन वाला बटन काम नहीं कर रहा है। तो मतलब ये रिमोट की क्वालिटी थोड़ी बैड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब कर गया ये हमें, अगर ये ऑफ हो गया ना, अब इसे ऑन करना है ना, तो ये दोबारा हमें जो प्लग है ना इसे हिलाना पड़ेगा। ये प्लग को दोबारा, प्लग निकाला और दोबारा लगाया, अब ये दोबारा ऑन हो गया।
पे प्लग मेरा थोड़ा एक्सटेंशन बोर्ड दूसरा है तो इसमें प्लग फिट नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कलर चेक करवा दो रेड, और जो अभी थोड़ा वायर मेरी ठीक नहीं बैठ रही, यहाँ से दो वायर हिल रही है, जो हमारा कनेक्टर वाली वायर है ना ये थोड़ी हिल रही है, तो जब आप इसे अभी तो हमने ऐसी वायर लगाई, जब हम इसे यूज़ करेंगे तब कहीं भी लगाओ तो इस दो वायर पे जो है ऐसे हमने कनेक्टर है इस पर थोड़ी ग्लू वन या टेप मार देनी जिससे यहाँ पर फिट रहे, हिले ना बाद बात पे ये, ठीक है। तब हम थोड़ी ग्लू वन या फाइव क्विक की हेल्प से जो है कर देंगे यहाँ पे सेट, तो हम इसे यूज़ करेंगे पाइप को। तो यहाँ पे रेड हमने रेड कलर लगा के देखा, यहाँ पे दो अब दो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ग्रीन का बटन दबाया, यहाँ पे ब्लू जल गया, ब्लू दबाया तो ग्रीन जल रहा, थोड़े मतलब रिमोट की क्वालिटी थोड़ी बैड है, वरना लाइट और जो हमारे बाकी सब वो अच्छा है, बट जो रिमोट की क्वालिटी है वो थोड़ी मुझे बैड लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने दोबारा अलग अलग कलर जलाने लग गया, थोड़ा वायर हिल गया वहाँ से, ठीक है। तो अब मैं और कलर से आपको चेक करवा देता हूँ, रेड भी हो गया, अब नीचे हम जला रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो हम येलो वाली साइड है वहाँ पे पर्पल वाली साइड जल रही है, मतलब उल्टा हो रहा है सब कुछ, जो इस साइड वाले कलर है वो उस साइड वाले बटन से जल रहे हैं, थोड़ा ग्लिच हो रहा है मतलब उसमें। तो यहाँ पे जो सेंटर वाले कलर है वो तो सही है एकदम, बट थोड़ा साइड वाली है, येलो दबा रहा है तो पर्पल जल रहा है, पर्पल दबा रहा है तो येलो जल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें पर्पल कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू वाला कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो जो रिमोट की क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छी लग रही है, जो बीच में ग्लिच मार रहा है ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा रिमोट अच्छी क्वालिटी का होता ना तो ये और बढ़िया परफेक्ट वर्क करती है, और भी बढ़िया रिमोट्स आते हैं रिमोट के साथ जो कंट्रोलर आते हैं, बट वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये वाइट कलर है, ठीक है, वाइट कलर है। यहाँ पे हम इसको तो कलर को अप डाउन भी कर सकते हैं, हमें जो इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कलर लाइटिंग को, हमें कम करी फिर यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है, पहले सबसे पहले फ्लैश वाला ऑप्शन जला के देखते हैं, तो यहाँ पे ये अपने लाइट चलती जाएंगी बारी बारी, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है स्टोन, हाँ स्टोन करके है, इसमें धीरे धीरे लाइट चेंज होगी हमारी। और यहाँ पे नीचे फेड का ऑप्शन देखते हैं हम ट्राई करेंगे, इसमें जो हमारी धीरे धीरे लाइट कन्वर्ट हो जाएंगी, ये थोड़ा ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो यहाँ पे धीरे धीरे लाइट चेंज हो रही है, और इसमें एक सबसे लास्ट वाला ऑप्शन भी आई थिंक स्मूथ करके ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, हाँ ये रहा स्मूथ करके इसमें ऑप्शन है सबसे लास्ट वाला, इसे और ट्राई करते हैं। तो उसमें भी वही है फेड की तरह, पर इसमें जो थोड़ी जल्दी जल्दी लाइट चेंज हो रही है, वो कनेक्टर थोड़ा हमारा हिल रहा है, जब हम इसे यहाँ कहीं चिपकाएंगे ना कहीं लगाएंगे एलईडी स्ट्रिप को यूज़ करेंगे तब जो उस पर ग्लू गन मार देंगे ताकि हिले ना, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं और भी कलर सब कुछ लगा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, फैड वैड वाला जो है ना फैड स्मूथ वाला, हम जब एक कोई एक कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हम कोई एक कलर जलाएँ तो हाँ जैसे अब रेड को कम ज़्यादा कर रहे हो कोई सा भी एक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एलईडी स्ट्रिप और ये हमारा ये, तो रिमोट की क्वालिटी थोड़ी फ्रेंड्स में बैठ लगी, मेरा रिव्यू यही है रिमोट की क्वालिटी थोड़ी बैठ है, बट हाँ काम चला हुआ है, काम चल जाएगा, इतने भी बैड नहीं है, काम चल जाएगा आपका नॉर्मली, ठीक है। बट जो ऑन ऑफ वाला बटन है ना इसमें आपको बार बार उठ के ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मेरा दूसरा भी जो है रिमोट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिमोट वो वाला है जो हमने लास्ट टाइम गेमिंग लाइट बनाई थी ना उसका रिमोट है ये, तो इसका देख सकते हो सही वर्क कर रहा है हमारा, इसका ऑन वाला बटन भी वर्क कर रहा है, इसके सारे बटन भी सही वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ बट इसमें भी थोड़ा ये वाला ग्लिच है, ग्रीन दबा रहे तो ब्लू जल रही है तो थोड़ा वाला ग्लिच है, बट हाँ इसमें ऑन वाला बटन काम सही काम कर रहा है, हमारा दूसरा रिमोट है थोड़ा रिमोट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ये लाइट तो हमारी एकदम बढ़िया है। तो आप देख सकते हो अपने लाइट को, तो फ्रेंड्स इस लाइट को जो है मैंने परचेज करा ऑफलाइन मार्केट से, ऑनलाइन ये मुझे कहीं नहीं मिली थी, तो ऑफलाइन मैंने जो चांदनी चौक जो लाजपत राय मार्केट है वहाँ से मैंने इसे परचेज करा था, ये 16 मीटर का रोल और ये हमारा कंट्रोलर। तो इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है फ्रेंड्स 900 के अराउंड पड़ी है, हाँ 950 रुपीज़ में इसकी प्राइसिंग पड़ी है, हाँ विथ कंट्रोलर। अगर हम कंट्रोलर ना लेते सिर्फ लाइट लेते तो वो 800 रुपये की सिर्फ लाइट है, कंट्रोलर हमारा है 150 रुपये का अलग से, तो अलग से इन्होंने मुझे 150 रुपये का कंट्रोलर दिया है और ये लाइट दिया 800 रुपये की, तो उसका उन्होंने सेट बना के दिया है दोनों का, ये 950 में हमें दे दिया है पूरा सेट, 950 रुपीज़ में हमें ये सेट दे दिया है दोनों का। और यहाँ पर लाइट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है हमारी लाइट की, तो ये लाइट को हम जितने पानी वानी में डाल लें कुछ भी कर लो ये वाटर प्रूफ लाइट है हमारी, और इसकी क्वालिटी बहुत कलर आ रहा है निकल के वो भी बहुत अच्छा है लाइट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट को, तो फ्रेंड देखा आपने कितनी जो है बढ़िया हमारी ये लाइट लग रही है यहाँ पे, बट जो रिमोट की क्वालिटी है वो थोड़ी बैड है, बस हमारी जो लाइट है वो अच्छी है और जो हमारा कंट्रोलर है वो भी अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप जो परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है, वरना मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं वहाँ से जो परचेज कर लेते हैं। ऑफलाइन मार्केट में ये है कि हमें सस्ते रेट पड़ रहे हैं, ऑनलाइन ये बहुत महंगी है अगर मैंने और कंपनी से देखी तो, और थोड़ी महंगी है, बट ये ऑफलाइन जो हमें सस्ती पड़ी है, ऑफलाइन बेस्ट है, ठीक है। तो आप भी जो है परचेज कर सकते हो मार्केट में जाके, मैं शॉप नंबर मुझे याद नहीं है वरना मैं आपको शॉप नंबर भी बता देता कि आप यहाँ से जाके इसे परचेज कर लेना, एचसीएल कंपनी की है, तो वहाँ पे अलग अलग रेट्स होते हैं, आप अलग अलग दुकानों पे आके ट्राई कर सकते हो
इस लाइट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी इस लाइट को जो है परचेज कर सकते हो। ये लाइट मैंने इसलिए परचेज करी थी क्योंकि मैं आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, उसकी भी वीडियो जो है मैं चैनल पर जरूर डालूंगा। आप भी जो है परचेज कर सकते हो, इससे आप जो है गेमिंग रूम में लगा सकते हो, गेमिंग रूम बना रहे हो तो गेमिंग रूम में यूज आ जाएगी। ये वाली लाइट जो है होम सीलिंग जो होती है उसमें काम आती है, वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। मैं तो आने वाले टाइम में एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, उसकी वीडियो भी मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो उसमें जो है मैं इस लाइट का यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने इसे खरीदा था और मैंने यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई आपको। आप भी इसे खरीद सकते हो जो ऑफलाइन मार्केट मैंने आपको बताया लास्ट ट्राई मार्केट में से, वहाँ पे आपको ये 900 950 ऐसे मिल जाएगी आराम से, 1000 करती है लाइट मिल जाएगी 16 मीटर का बंडल, ठीक है। तो आप भी इसे खरीद सकते हो और घर पे जो है अपने जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आपको कहीं भी रूम में लगानी है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हो। इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आप भी जो है इसे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।